हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया थ्रेडिंग के बारे में, वैक्सिंग के बारे में। अब हमारी जो अगला सेशन आएगा वो होगा फेशियल का। तो फेशियल का जो हमारा सेशन है उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, स्किन टाइप्स के बारे में। तो अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 30 डेज का ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जो मैंने उन महिलाओं के लिए स्टार्ट किया है जो घर से बाहर जाकर किसी भी परेशानी की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं। तो वो घर बैठकर बहुत ही आसानी से फ्री में बिना किसी कॉस्ट को पे किए पार्लर का कोर्स सीख सकें, और जो फाइनेंशियल कंडीशन भी जिनकी अच्छी नहीं है वो भी इस पार्लर के कोर्स को सीख सकें, पूरा पार्लर सीख सकें, अपना पार्लर खोल सकें, या फिर अपने लिए सीखना चाहती हैं, पार्लर खोलकर इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। तो उन लोगों के लिए मैं सीरीज लेकर आई हूँ। तो आज का जो मैंने जैसे पहले कहा, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा स्किन टाइप्स। तो फेशियल करने से पहले, जैसे हम फेशियल करते हैं तो क्लाइंट का फेशियल करेंगे या फिर अपना भी हमें कराना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारी स्किन टाइप्स कौन सी है। अगर हमें नहीं पता है हमारी स्किन टाइप्स कौन सी है तो हम फेशियल जो करेंगे ना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, या तो दाने हो जाएंगे या रैसेस हो जाएंगे या फिर एलर्जी हो जाएगी, कुछ भी होगा, हो सकता है वो जो हमें फेशियल से चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। तो अगर हम अपने क्लाइंट पे वो उस टाइप से फेशियल नहीं करेंगे जो उसकी स्किन पे स्किन टाइप्स पे करना चाहिए या स्किन टाइप्स के अनुसार जो उसका फेशियल बनता है वो हम नहीं करेंगे, तो हमारा क्लाइंट के साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके पार्लर में दोबारा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारा जो स्किन टाइप्स है वो कौन सा है। तो स्किन टाइप्स हमारी जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं गाइस, जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो पहली जो हमारी स्किन टाइप्स होती है वो है ऑयली। ऑयली स्किन के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना है, ऑयली स्किन के बारे में जानना है अगर हमें, तो सबसे पहले हमें अपने फेस पे टी जोन और सी जोन, सभी किसी भी स्किन के टाइप के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा टी जोन और सी जोन। जो टी जोन हमारा एरिया होता है ना गाइस, वो होता है ये हमारा जो फोरहेड है यहाँ पर, हम एक इस तरह से और नीचे की तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हमारा टी जोन, जो टी बनाता है इस तरह से, हमारा ऊपर से नीचे तक टी बनाता है, तो ये हमारा टी जोन एरिया है। और जो ये हमारे चीक्स होते हैं गाइस, ये जो हमारे गाल हैं, ये है हमारा सी जोन एरिया। तो ये हमारा सी जोन एरिया हुआ और ये हमारा टी जोन एरिया हुआ। तो ऑयली स्किन अगर हमारी है तो सबसे पहले हमें जानना होगा, तो जो हमारा टी जोन एरिया होता है ये भी ऑयली होता है, और जो हमारा सी जोन एरिया होता है ये भी ऑयली होता है। उसको जानने के, ऑयली है ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना है, एक टिश्यू पेपर ले लेना है, और टिश्यू पेपर लेके उसको टैप करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ पर जब हम टैप करेंगे, और यहाँ पर पहले हम यहाँ पर टैप करेंगे और अपने टिश्यू को देखेंगे, अगर टिश्यू पर थोड़ा सा भी ऑयल रिलीज होता है, हमें अपने टिश्यू पर ऑयल दिखता है, तो हमारी स्किन ऑयली है यहाँ से। फिर हम इसके अपने टिश्यू को लेंगे और यहाँ पर भी टैप करेंगे, पूरे फेस पर टैप करेंगे, तो अगर यहाँ पर भी हमारा ऑयल रिलीज होता है, हल्का सा भी रिलीज होता है, और यहाँ पे भी टी जोन पे भी और सी जोन पे भी दोनों तरफ, दोनों जगह हमारा जो है ऑयल रिलीज होता है, तो गाइज आपकी स्किन जो है वो ऑयली है। और अगली जब ये हमारी हुई ऑयली स्किन, दूसरी स्किन होती है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन को जानने के लिए हमें क्या करना है, ड्राई स्किन को जानने के लिए हमारा जो टी जोन एरिया है, टी जोन एरिया हमारा ऑयली है या नहीं है, और ये भी हमारा ऑयली है कि नहीं है। तो अगर हमारा ना तो टी जोन एरिया ऑयली है ना ही सी जोन एरिया ऑयली है, तो बल्कि ड्राइनेस रहती है हमारे पूरे फेस पर, ड्राइनेस रहती है, स्किन जो है हमारी खिंची खिंची पैची पैची सी रहती है, हमेशा ड्राइनेस दिखती है, तो वो हमारी स्किन है ड्राई, ड्राई स्किन वाली ये हमारी। अगर हमें अपनी भी जाननी है, फिर हमारे क्लाइंट की भी हमें जाननी है, तो क्लाइंट के लिए भी हम इसी टाइप से जानेंगे और स्किन को देख लेंगे इस तरह से करके, अगर हमारे स्किन पे ड्राइनेस है, स्किन खिंची खिंची सी है, पैची टाइप की है, पूरे फेस पर ड्राइनेस है, तो हमारी स्किन का जो टोन है वो ड्राई, हमारी स्किन जो है वो ड्राई स्किन है। तो एक हमारी हुई ऑयली स्किन, दूसरी हो गई हमारी ड्राई स्किन, तीसरी होगी हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन को हम कैसे जानेंगे, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी हमें टी जोन और सी जोन पे जाना होगा। तो जो हमारा टी जोन एरिया है
जब हम कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में जानेंगे तो टी जोन एरिया पे, ये जो हमारा टी जोन एरिया है इस पे हमें मिलेगा ऑयल, इस पे हमें ऑयल रिलीज होगा, और जो हमारा सी जोन एरिया होगा, सी जोन एरिया हमारा ड्राई होगा। तो गाइस कैसे जानेंगे, सी जो जो टी जोन है वो ऑयली होगा और सी जोन ड्राई होगा। तो ये जो हमारा सी जो टी जोन एरिया पे ऑयल होगा, ऑयली होगा, टैप टैप करके देखेंगे हम अपने जब टिश्यू को टैप करेंगे तो यहाँ से हमारा ऑयल रिलीज होगा और यहाँ पर हमारा ऑयल रिलीज नहीं होगा। तो ये हमारी होगी कॉम्बिनेशन स्किन, और ये हमारी हो गई तीसरी होगी, तो हो गई कॉम्बिनेशन स्किन। इसके बाद हमारी आएगी नॉर्मल स्किन। तो नॉर्मल स्किन जो हमारी होती है ना, तो उस पर ऑयल होता है, ना ड्राइनेस होती है कहीं भी, ना टी जोन एरिया पे, ना सी जोन एरिया पे कहीं भी, ना तो ऑयल होता है ना ही ड्राइनेस होती है, बिल्कुल नॉर्मल स्किन होती है, मतलब उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो होती है हमारी नॉर्मल स्किन। तो नॉर्मल स्किन के बारे में भी जान लिया हमने। अगली जब हमारी आएगी वो होगी सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन पे क्या होता है, सेंसिटिव स्किन को जानना बहुत आसान सा है गाइस। सेंसिटिव स्किन जो होती है हमारी, सेंसिटिव स्किन पे अगर हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं हल्का फुल्का, ये जैसे कि कोई क्रीम लगा ली नहीं लेके, कि किसी ने दिया कि ये बहुत अच्छी क्रीम है इसको लगाओ, तो उसको लगाते हैं या तो हमारे दाने स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, या ड्राइनेस हो जाती है, या फिर या तो हमारे स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, या दाने हो जाते हैं, या फिर एलर्जी हो जाती है। कुछ भी ऐसा वैसा अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो होती है हमारी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन पे हम कुछ भी कैसे भी एकदम से यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत सोच समझ के हमें यूज़ करना होता है। तो गाइज ये हमारी 5 प्रकार की स्किन हो गई। पहली हुई हमारी ऑयली स्किन, दूसरी हुई हमारी ड्राई स्किन, तीसरी हुई हमारी कॉम्बिनेशन स्किन, चौथी हुई हमारी नॉर्मल स्किन, और पांचवी हुई हमारी सेंसिटिव स्किन। ये 5 प्रकार की स्किन के बारे में हमने जान लिया, कौन सी स्किन किस टाइप की होती है, कैसे हम जानेंगे कि स्किन टाइप्स हमारा या हमारे क्लाइंट का कौन सा है। सबसे पहले हमें ये जान लेना है फेशियल करने से पहले कि हमारा जो क्लाइंट है उसका स्किन टाइप कौन सा है, उसी के अनुसार, उसी टाइप्स के अनुसार हमें फेशियल देना होता है। जो क्लाइंट है स्किन टाइप्स के अनुसार ही हमें उस पर फेशियल अप्लाई करना है, कौन सा फेशियल कौन सी स्किन टाइप पे करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी स्किन के लिए कौन सा फेशियल होता है, कौन सी स्किन पे हम कौन सा फेशियल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, कौन से फेशियल से हमारी कौन सी स्किन पे ग्लो आएगा, कौन से फेशियल को अगर हम स्किन पे करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। में अगला हमारा टॉपिक रहेगा फेशियल के स्टेप, फेशियल के कौन कौन से, कैसे हम फेशियल के स्टेप्स को सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।